हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमानी और हिमानी बिस्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलेंगे देश की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हरित क्रांति की जन्मस्थली यानी कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। ये यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर और नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूनिवर्सिटी का टोटल एरिया जो यूनिवर्सिटी फैली है वो 12,661 एकड़ में यूनिवर्सिटी पूरी फैली हुई है। और ये यूनिवर्सिटी दुनिया की वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी हम जो यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रहे हैं वो नैनीताल रोड से एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो दूसरा गेट है वो पंतनगर एयरपोर्ट की तरफ से है। दो तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं, एक नैनीताल रोड पर जो नगला गेट है यूनिवर्सिटी का वहाँ से एंट्री कर सकते हैं, और दूसरा इसका ये पंतनगर एयरपोर्ट की तरफ से जो गेट है वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम एंट्री करेंगे जो वो नैनीताल रोड पर जो यूनिवर्सिटी का गेट है वहाँ से। यूनिवर्सिटी कैंपस का आकार हाफ मून या राइजिंग सन के शेप में है। तो नगला गेट से एंट्री करते हुए आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बीज विधायन संयंत्र यानी कि TDC प्लांट। TDC प्लांट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट है इसमें आपको हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो मिलेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ पे बीज की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और हरित क्रांति को सफल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम चलेंगे डेयरी फार्म की तरफ। यहाँ डेयरी फार्म में आपको अलग अलग नस्ल की गाय देखने के लिए मिलेंगी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अलग अलग नस्ल की कितनी गायों की संख्या यहाँ पर दी गई है, और ये गौशाला है, यहाँ पर गायों को बांधा जाता है, यहाँ पर गायों को रखा जाता है। और आगे हम देखेंगे यह है कुक्कुट फार्म। यहाँ पे भी अलग अलग नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं वो दिखती हैं, और इसके अलावा उनके अंडे और मुर्गियाँ दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं कुक्कुट फार्म में। और केंचुआ पालन आप देख रहे हैं यहाँ पे, केंचुआ पालन भी आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा है यहाँ पे केंचुआ पालन। अभी हमें कॉलेज ऑफ फिशरीज़ पे यानी कि मत्स्य विद्यालय है पंतनगर यूनिवर्सिटी का, ये कॉलेज ऑफ फिशरीज़ है, यहाँ पे फिशरीज़ की पढ़ाई होती है, BSc फिशरीज़। और इस साइड आपको दिखेगा फिशरीज़ के पौंड हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं। उस साइड है फिशरीज़ पौंड और इस साइड है फिशरीज़ कॉलेज। पीछे जो दिख रहे हैं ये फिशरीज़ पौंड है, यहाँ पे फिशरीज के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फिश सीड हैचरी, यहाँ पे आप मछली के बीज ले सकते हैं अलग अलग मछलियों के फिश सीड हैचरी से। आप थोड़ा आगे चल के हमें मिलेगा चारा बैंक, यहाँ ये बेनी क्षेत्र है, इसको बेनी, इस जगह का नाम बेनी है, और यहाँ पे हमें चारा बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ जानवरों का चारा रखा जाता है या चारा बोया जाता है जानवरों के लिए चारा बैंक में। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, और आगे की तरफ हमें और चलते चलते आगे जाके हम देखेंगे तो हमें मधुमक्खी अनुसंधान, मधुमक्खी पालन मिलेगा। मधुमक्खी पालन में अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं शहद की वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी वैरायटी का शहद ले सकते हैं। जामुन का शहद जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए यहाँ पे जामुन का शहद भी अवेलेबल है, डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो जामुन का शहद खा सकते हैं, और अलग अलग जो शहद है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये है मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र या मधुमक्खी पालन भी इसको बोलते हैं हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में।
अब हम लोग चलेंगे पंतनगर स्टेडियम की तरफ को। ये हम जाएंगे पंतनगर स्टेडियम को, और इस स्टेडियम का क्या नाम है, स्टीवेंसन स्टेडियम बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी का स्टीवेंसन स्टेडियम है। और इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग गेम करवाए जाते हैं, गेम्स कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, और अदर फिजिकल एजुकेशन भी करवाई जाती है यहाँ पे पंतनगर स्टेडियम में। ग्राउंड भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अभी। अभी हम खड़े हैं पंतनगर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हम खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बीटेक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की ओल्ड बिल्डिंग है, और इसके जस्ट बगल में उस साइड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की न्यू बिल्डिंग है। तो अभी ये ओल्ड बिल्डिंग में हम खड़े हैं, और इसके बाद जो आएगी वो न्यू बिल्डिंग है। और इस सीक्वेंस में ये गांधी पार्क के चारों तरफ यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज हैं, मैं आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की न्यू बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं, इसमें न्यू बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की। और इसके जस्ट बगल में हम देखेंगे, इसके जस्ट बगल में है CBSH कॉलेज, यानी कि कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इसका फुल फॉर्म है CBSH का। और अब इसके जस्ट बगल में हम चलेंगे वेटनरी कॉलेज की तरफ, इसके जस्ट बगल में CBSH के बगल में है वेटनरी कॉलेज। तो इस सीक्वेंस है कॉलेज की, जैसे आप मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पहले है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है CBSH कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी। तो चलेंगे वेटनरी कॉलेज की तरफ। अभी हम खड़े हैं पंतनगर के कॉलेज ऑफ वेटनरी में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वेटनरी कॉलेज पंतनगर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे BVSC यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और MVSC मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की पढ़ाई होती है। ये है पंतनगर का वेटनरी कॉलेज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉलेज ऑफ होम साइंस, होम साइंस कॉलेज की तरफ चलेंगे, गृह विज्ञान महाविद्यालय की तरफ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है होम साइंस कॉलेज। यहाँ पे आप BSc होम साइंस, MSc होम साइंस या फिर PhD जो अलग अलग सब्जेक्ट से करते हैं लाइक टेक्सटाइल एक्सेट्रा, आप इन सब्जेक्ट से यहाँ से PhD भी कर सकते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम चलेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ, कृषि महाविद्यालय। अभी हम खड़े हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विश्वविद्यालय पे खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कॉलेज या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे एग्रीकल्चर की सारी पढ़ाई होती है, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhD इन एग्रीकल्चर इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक एग्रोनॉमी, प्लांट सीडिंग एक्सेट्रा। तो ये है पंतनगर का एग्रीकल्चर कॉलेज और पंतनगर यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज। तो अभी आपने देखा, हमने एक सीरीज़ में सारे कॉलेज कवर किए। तो फर्स्ट हमने जो उस नगला गेट की तरफ से आते हुए वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद है CBSH कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी, उसके बाद है होम साइंस कॉलेज, और अब हमने कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज। ये सीक्वेंस में कॉलेज हैं जो हमने कवर किए हैं। और इसके बाद हम चलेंगे CABM यानी कि कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे CABM की तरफ को। अभी हम खड़े हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के CABM यानी कि कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे एग्रीकल्चर में MBA किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मेरे पीछे देख सकते हैं, इसे एग्रीकल्चर कॉलेज है ये, इसका MBA किया जाता है, यानी कि CABM कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो अब हम देखेंगे पंतनगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जो है वो 5-story बिल्डिंग है, यानी कि 5-मंजिला बिल्डिंग है लाइब्रेरी की, और लाइब्रेरी में टोटल 4.5 लाख बुक्स हैं। और लाइब्रेरी के पीछे आप देख सकते हैं घंटाघर है, लाइब्रेरी के जस्ट पीछे आपको घंटाघर देखने को मिलेगा। तो अब हम इसी के साथ हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी के दर्शन पूरे हुए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा अदर चैनल एग्ज़ाम प्लस अकेडमी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें वीडियोज़ आपके लिए जो मैं आप लेके आती हूँ वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।